हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल दरभंगा ब्लॉग पे। तो चलिए गाइस, आज आप सभी को हम 17 नंबर रोड पे घुमाते हैं, तो चलिए हमारे साथ ब्लॉग पे बने रहिए। और मेरे साथ है विपिन और सुमन, चलिए कंटिन्यू करते हैं। भाई वीडियो पूरा बन रहा है, नॉट मिस एंड। फिलहाल अभी छोटा सा क्लिप बना रहे हैं, तो आप सब एंजॉय कीजिए वीडियो को। और मेरे साथ ये देखिए तो आ गए हैं। अब आपको हम बैक कैमरे से दिखाते हैं, ले ये आप बोर्ड देख सकते हैं, और यहाँ से गंडोल लिखा हुआ है, और ये आप पूरा पढ़ लो भाई। सहरसा सुपौल जा सकते हैं यहाँ से। तो गाइस ये रास्ता जो है सीधा जाता है सहरसा की ओर और सुपौल की ओर। वैसे ये भी सुपौल ही है, पर ये बिरौल सुपौल है, और ये एक और सुपौल है उधर जाता है। तो चलिए 17 नंबर रोड पे घुमाते हैं आपको, मेन हाईवे पर चलते हैं अब। करीब हम सब अभी 7-8 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ से वापस जा रहे हैं। सो गाइस, ये 17 नंबर रोड यहाँ का बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, और यहाँ से सहरसा के लिए बहुत बहुत बड़ा ही शॉर्टकट पड़ गया है। पहले तो दरभंगा से जाते थे सहरसा, अब यहाँ सुपौल से सीधा सुपौल टू सुपौल मिल जाता है रास्ता, सुपौल टू सहरसा। सो गाइस बहुत मतलब 40-80 किलोमीटर के एवरेज में आ गया है। पहले तो 200 किलोमीटर तक जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा ही मतलब कम दूर हो गया यहाँ से आने में। और ये गाइस ये रास्ता कुछ अच्छा है, और ये एरिया देख सकते हैं पूरा खाली ही खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ये लोग सब देखिए यहाँ पे रहता है, छोटा सा एक कॉलोनी टाइप का है, और यहाँ पे तो पूरा खाली खाली एरिया है। देखिए पूरा खाली, यहाँ पे बाढ़ के टाइम मतलब फुल भरा रहता है, यहाँ पे पूरा ही पूरा भरा रहता है। आप सबको इस रास्ते से अगर मैं सहरसा, अगर आप चाहते हो कि मैं सहरसा जाऊं इस रास्ते से, तो आप सब मेरे को कमेंट करना, मैं आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। अगर आप सब मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हो, तो आपको यहां से बिरौल टू सहरसा का व्लॉग मिलने वाला है। तो फटाफट से आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सब कब 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हो, तो आपको बहुत जल्द यहाँ का वीडियो मिलने वाला है। यही कुछ था, मैं थोड़ा ही दूर आया हूँ अभी, और नेक्स्ट टाइम आपको ये रास्ता जितना भी है यहाँ का पूरा एरिया कवर कर देंगे, सहरसा तक जाने वाले हैं। तो गाइस आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप कब हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हो। तो एंड गाइस, मेरे से अगर बात करनी हो आप सभी को, तो मेरा यूज़र नेम यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और
मैसेज कर सकते हैं तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आप सभी को। सो गाइस, आज मैं विपिन के चैनल के बारे में बात करने वाला हूं। तो आई भाई बताइए कुछ। तो इसका एक यूट्यूब चैनल है जो कि ब्लॉगिंग करता है ये भी, तो आप मतलब इसके चैनल को भी जाके विजिट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना और इसको सब्सक्राइब करना जितना उसके ज़्यादा। और भाई और कुछ कहना है? सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, वीडियो भी लाइक कर देना। लाइक कर देना, ठीक है। तो भाई से खाली खाली है भाई, देख सकते हैं। फुल एंजॉय कर रहे हैं हम सब यहाँ पे। आप सभी घूमिए गाइस, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया तो मैं इस रास्ते से सहरसा जाने वाला हूँ आप सभी। तो फटाफट से यार मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करो, जल्दी कर दो भाई, आपसे एक ही तो रिक्वेस्ट है यार। उसी जिसमें पिछली बार गए थे हम सब, चाय अड्डा, तो उसी के पास चलते हैं आज फिर चाय अड्डा, क्योंकि बिल तो पे करने वाला है हमारा ये बंदा सुमन, बिल पे करेगा, हम तो बस पियेंगे चाय, फुल मौज करेंगे। चलिए अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।